डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सी एल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है मिमिक्री एंड इवोल्यूशन। मिमिक्री एंड इवोल्यूशन क्या होती है, मिमिक्री और उसका इवोल्यूशन के अंदर क्या रोल होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिमिक्री का मतलब वैसे सिंपल लैंग्वेज में अपन हमेशा बोलते हैं कि मिमिक्री करना, किसी की नकल करना, जिसको अपन मिमिक्री बोलते हैं, टू इमिटेट क्लोजली। मिमिक्री शब्द जो है ना वो लैटिन वर्ड से लिया गया। लैटिन वर्ड है, जैसे लैटिन वर्ड कौन सा, मिमिकस, मिमिकस से लिया गया। और इसी तरीके से ये वर्ड ग्रीक वर्ड से भी लिया गया, ग्रीक वर्ड है मिमिकोज, मिमिकोज से लिया गया, मिमिकस या मिमिकोज से लिया गया। इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है टू इमिटेट क्लोजली, किसी की नजदीकता से उसकी वो नकल को उतारना, वो मिमिक्री है। लेकिन यहां पर जो अपन मिमिक्री पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है कि बायोटिक डायवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं। या तो वो मिमिक्री करते हैं किसी दूसरे एनिमल की करते हैं, या वो जिस स्थान पे रहते हैं उस बैकग्राउंड की वो मिमिक्री करते हैं, ताकि अपने आप को बचाया जा सके। खुद के प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, डिफेंस के लिए करते हैं, डिफेंस के लिए करते हैं, या अपने आप को छिपाने के लिए, प्रीडेटर से छिपाने के लिए वो इस प्रकार से मिमिक्री करते हैं। तो ये मिमिक्री के बारे में अपन जानेंगे यहाँ पे। इससे पहले देखिए डेफिनेशन लिख रखी है अपने यहाँ पे, मिमिक्री इज द रिजेम्बलेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म और एन नेचुरल ऑब्जेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंसीलमेंट, प्रोटेक्शन एंड अदर एडवांटेज लाइक अटैक। पूरा का पूरा इस डेफिनेशन के अंदर सार पूरा का पूरा भरा हुआ है। देखिए मिमिक्री एक तरीके से समानता है, वो समानता बैकग्राउंड जिसपे वो रहता है उससे हो सकती है, या किसी दूसरे एनिमल से हो सकती है। तो जो समानता, इस प्रकार से मिमिक्री इज द रिजेम्बलेंस, समानता ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म की किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से समानता, या फिर एन नेचुरल ऑब्जेक्ट, या फिर नेचुरल ऑब्जेक्ट है जैसे मान लीजिए पेड़ है, पौधा है, या कोई भी पत्थर है, मिट्टी है, किसी भी प्रकार से कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है उससे समानता रखना, और उसके पीछे पर्पज क्या है, अपने आप को छिपाना, अपने आप की सुरक्षा करना, या फिर किसी दूसरे एनिमल के ऊपर अटैक करना। इस प्रकार से ये मिमिक्री की अपन ने डेफिनेशन दी है कि कोई भी जंतु किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट की, चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो नेचुरल हो, बायोलॉजिकल हो, नॉन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट हो, उसकी अपने आप में समानता दिखाना, ताकि वो अपने आप को छिपा सके प्रीडेटर से, या अपनी सुरक्षा कर सके, या फिर किसी दूसरे एनिमल के ऊपर अटैक कर सके, उसी को अपन मिमिक्री करते कहते हैं। और इसका इवोल्यूशन में बहुत अच्छा रोल होता है। तो टू इमिटेट क्लोजली, शॉर्ट में अगर अपन को मिमिक्री पूछे डेफिनेशन, टू इमिटेट क्लोजली, किसी की नजदीकता से, क्लोजली है वो उसकी नकल को उतारना, वो क्या कहलाती है, मिमिक्री। देखिए यहां पर दो शब्द लिख रखे हैं अपन, एक तो प्रे लिख रखा है, एक प्रीडेटर। इंग्लिश जिनको आती है वो सब समझते हैं, प्रे का मतलब होता है शिकार और प्रीडेटर का मतलब होता है शिकारी, जो अटैक करता है, भक्षण करता है वो प्रीडेटर है, जिसका भक्षण किया जाता है शिकार वो प्रे। और अपन दो शब्द दो लिख रखे हैं, मिमिक और मॉडल। मिमिक का मतलब है कि जो जंतु किसी दूसरे जंतु की मिमिक्री करता है उसको अपन क्या कहेंगे, मिमिक, और जिसकी वो मिमिक्री करता है वो क्या कहलाता है, मॉडल। जैसे मान लीजिए स्टिक इंसेक्ट है, वो कोई भी स्टिक जो लकड़ियां पड़ी रहती है या पेड़ की सूखी डाली है, ब्रांच है, उसके ऊपर बैठा रहता है तो वो दिखता नहीं है, तो वो स्टिक इंसेक्ट क्या हो गया, मिमिक। और वो जो जिसका नकल कर रहा है, लकड़ी है या ब्रांच है, सूखी हुई ब्रांच है, उसकी नकल करता है, तो वो क्या हो गया, मॉडल। तो मिमिक और मॉडल में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब ये मॉडल जो है क्या क्या हो सकते हैं, देखिए अपन ने कहा शुड बी अनदर स्पीसीज, सॉरी, जो जंतु नकल करता है वो मिमिक, जिसकी करता है वो मॉडल।
तो मॉडल क्या हो सकता है, अनदर स्पीशीज का एनिमल हो सकता है, शुड बी अनदर स्पीशीज, दूसरी स्पीशीज हो सकती है, और देयर एक्शन, या फिर किसी दूसरी स्पीशीज की एनिमल की का एक्स उसके जैसा वो एक्शन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई जंतु किसी दूसरे जंतु को दूर भगाने के लिए केमिकल या फिरोमोन स्टिमुलेट करता है, तो वो भी हो सकता है क्या, मॉडल। इसी प्रकार से कैन बी बिलोंग टू सेम स्पीशीज, उसी स्पीशीज का वो मॉडल हो सकता है जिसकी वो नकल करता है। कैन बिलोंग टू सेम स्पीशीज, फिर देखिए मॉडल कैन बी द पार्ट ऑफ द सेम इंडिविजुअल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल कैन बी पार्ट ऑफ द सेम इंडिविजुअल। मॉडल जो जंतु जो एनिमल मिमिक्री कर रहा है उसके खुद की बॉडी का पार्ट भी मॉडल हो सकता है, यानी खुद के पार्ट की भी वो नकल कर सकता है। जैसे देखिए पाइज में एक ओवल होता है, उल्लू होता है, ठीक है, और उसकी दो आंखें होती है, लेकिन उसके पीछे हेड के पीछे दो स्पॉट होते हैं, और वो देखने में ऐसा लगता है जैसे वो उसकी आंख हो। तो जब भी वो अगर पीट करके बैठा है और उसका प्रीडेटर उसको उसके ऊपर अटैक करने वाला है, तो प्रीडेटर उसकी बैक को भी देख करके ऐसे लगता है कि उसको वो उल्लू उसकी तरफ देख रहा है, क्योंकि उसकी बैक के ऊपर भी क्या आई के जैसे दो स्पॉट है। तो उस शिकारी को प्रीडेटर को ऐसा लगता है कि ये मेरी तरफ देख रहा है, तो उसके ऊपर वो अटैक नहीं करेगा। तो यहां पर मॉडल क्या है, जो मिमिक है, जो मिमिक्री कर रहा है, उसकी बॉडी का पार्ट भी हो सकता है, यानी अपने स्वयं के बॉडी की पार्ट की भी वो मिमिक्री कर सकता है। ऑर्गेनिज्म मे आल्सो मिमिक ए बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल सबस्टेट ऑन विच दे ग्रो एज ए कैमोफ्लेज अगेंस्ट एनिमीज। जंतु जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस बैकग्राउंड में रहता है, उस बैकग्राउंड की भी वो नकल करता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल अपन आगे भी देखेंगे। तो ये जो है वो उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। कुछ लोग बाग इसको मिमिक्री के अंदर नहीं रखते हैं, किसको, कैमोफ्लेक को। कैमोफ्लेक का मतलब होता है जिस बैकग्राउंड में जंतु रहता है उसकी नकल करना, ताकि वो दिखाई ना दे, कंसीलमेंट के लिए करता है ये। इसमें कलर पैटर्न भी हो सकता है, डिसरप्टिव कलर भी हो सकता है। तो ये है, ये क्या कहलाता है, कैमोफ्लोग। इन्वायरमेंट में जहां जंतु रहता है उस बैकग्राउंड की नकल करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेक। और उस कैमोफ्लेक को कुछ लोग बाग है वो मिमिक्री नहीं मानते, उसको एक अलग नाम दिया गया, कैमोफ्लेक। यहां पर अपन एक एग्जाम्पल और दिया था, मॉडल कैन बी पार्ट ऑफ द सेम इंडिविजुअल, जो अपन ने अभी ओवल का उदाहरण दिया था। तो उसमें क्या करता है, जंतु अपने बॉडी के पार्ट की ही नकल करता है, तो इसलिए इस मिमिक्री को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो मिमिक्री, स्वयं के पार्ट की मिमिक्री करना, ऑटो मिमिक्री भी कहते हैं इसको। तो ये कुछ मॉडल्स के प्रकार इस प्रकार से हो सकते हैं। मिमिक्री के ऊपर सबसे पहले हेनरी बेट्स, हेनरी बेट्स ने सबसे पहले 1862 में वर्क किया था, और उसने पूरी की पूरी जो, क्योंकि मिमिक्री का क्लासिफिकेशन है वो दो प्रकार से किया गया है। एक प्रकार में क्या है, प्रोटेक्टिव मिमिक्री है, अग्रेसिव मिमिक्री है, और कॉन्शियस मिमिक्री है। दूसरा जो सबसे पहले हेनरी बेट्स ने दिया था कि एक बेट्सियन मिमिक्री होती है, बेट्सियन मिमिक्री, और एक होती है मुलेरियन, मुलेरियन मिमिक्री। यहां पर अपन ने लिख रखा है मुलेरियन, मुलेरियन मिमिक्री। बेट्सियन मिमिक्री है वो, बेट्सियन दी थी, क्या बताया उसने, बेट्सियन मिमिक्री इज ए फिनोमिनन इन विच मेंबर ऑफ ए पैलेटेबल स्पीसीज और ए ग्रुप ऑफ सच स्पीसीज गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर बाय रिजेम्बलिंग और मिमिकिंग द डिफेंसिव सिग्नलिंग ऑफ एन अनपैलेटेबल और डिफेंडेड स्पीसीज। एक ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसके अंदर जो पैलेटेबल स्पीसीज होती है, जो खाने योग्य जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्शन कैसे करते हैं प्रीडेटर से, वो क्या करते हैं कि जो
नए खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनकी मिमिक्री करते हैं। जैसे मान लीजिए बर्ड्स है या कोई भी प्रीडेटर है किसी एक एनिमल को उसके ऊपर अटैक करता है मान लीजिए, और जब उसको पता चलता है कि ये एनिमल है वो स्वादिष्ट नहीं है या फिर ये पॉइजनस है, तो एक बार जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये हार्मफुल है अपने लिए या स्वादिष्ट नहीं है, तो उसके ऊपर ये कभी भी अटैक नहीं करेंगे। इसलिए क्या करते हैं, कुछ वो एनिमल जो स्वाद में अच्छे होते हैं और वो पॉइजनस स्नेक की मिमिक, पॉइजनस एनिमल की क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं, ताकि उन जो उनका शिकारी होता है उनको ऐसे लगे कि नहीं ये तो पॉइजनस है। इसको अपन सिंपल डेफिनेशन में लिखते हैं, देखिए इसमें क्या होता है, एडिबल, एडिबल ऑर्गेनिज्म मिमिक नॉन एडिबल ऑर्गेनिज्म। बेडशीट मिमिक्री देखिए आप क्या है, ये यहां पर अपन एक लंबी डेफिनेशन लिखी है कि बेडशीट मिमिक्री जो फिनोमेनन इज इन विच मेंबर ऑफ पैलेटेबल स्पीसीज, जो खाने योग्य स्पीसीज है, और ए ग्रुप ऑफ सच स्पीसीज गेन प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर बाय रिजेम्बलिंग और मिमिकिंग द डिफेंसिव सिग्नलिंग ऑफ एन अनकंपेटेबल और डिफेंडेड स्पीसीज। जो 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 एडिबल, या इसको शॉर्ट में आप ये देखिए, जो एडिबल ऑर्गेनिज्म है जो खाने में स्वादिष्ट होते हैं वो किसकी मिमिक्री करते हैं, नॉन एडिबल ऑर्गेनिज्म। अब ये नॉन एडिबल ऑर्गेनिज्म कौन होगा, वो ऑर्गेनिज्म होंगे जो या तो पॉइजनस है या वो स्वादिष्ट नहीं है। तो अन्य इनके जो शिकारी होते हैं, इनके जो प्रीडेटर होते हैं, उनको ये पता होता है कि ये जंतु है वो खाने में स्वाद नहीं है या पॉइजनस है, तो उसके ऊपर वो अटैक नहीं करते हैं। इसलिए जो स्वादिष्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी मिमिक्री करते हैं। इनकी जब वो मिमिक्री करेंगे तो क्या होगा, इनके जो प्रीडेटर होते हैं वो ये क्या सोचते हैं कि ये नहीं, ये तो नॉन एडिबल है, ये तो पॉइजनस है, इसलिए वो उनका भक्षण या उनके ऊपर अटैक नहीं करते, उनको खाते नहीं है। देखिए एक एग्जांपल है, वाइस रॉय बटर, वाइस रॉय बटरफ्लाई है, वो मोनार्क बटरफ्लाई का मिमिक करती है, ये तो मिमिक है और ये मॉडल है। वायसराय बटरफ्लाई किसकी मिमिक्री करता है, मोनार्क बटरफ्लाई की, मोनार्क बटरफ्लाई की। अब ये मोनार्क बटरफ्लाई का जब वो क्या होता है कि इसका जो लार्वा होता है वो मिल्की वीड जो होता है उसके ऊपर फीडिंग करता है, तो अपने अंदर टॉक्सिक पदार्थ वो इकट्ठा करता था, ग्लाइकोसाइड्स। मोनार्क बटरफ्लाई का कैटरपिलर जब फीडिंग करता है तो किस पे करता है, मिल्की वीड्स पे, ऐसा घास जो मिल्की हो और उसमें ग्लाइकोसाइड्स हो, तो वो ग्लाइकोसाइड अपनी बॉडी में इकट्ठा करता रहता है, जब उसकी जब वो अडल्ट हो जाता है तब भी उसकी बॉडी के अंदर वो रहता है। तो उस मोनार्क बटरफ्लाई के ऊपर कोई भी बर्ड्स जब अटैक करेगी तो उस ग्लाइकोसाइड की वजह से इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं होता है, तो इसके ऊपर वो बर्ड्स है वो अटैक नहीं करेंगे। इसलिए ये वायसराय बटर क्या करती है, अपना बॉडी का कलर का पैटर्न है वो इसके जैसा बना लेती है, जिससे क्या होगा वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता है बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स तो ये मान के चलता है कि ये भी क्या है, मोनार्क बटरफ्लाई है, जो कि खाने में अस्वादिष्ट है, जो उसका पूर्व अनुभव है उसका, इसलिए वो इसके ऊपर अटैक नहीं करती है। तो वायसराय बटरफ्लाई क्या हो गया, मिमिक, और मोनार्क बटरफ्लाई क्या हो गया, मॉडल। एक एग्जाम्पल अपन ने और ले रखा है, स्कारलेट किंग स्नेक, ये नॉन पॉइजनस है, और कोरल स्नेक है वो पॉइजनस है। तो इनके जितने भी प्रीडेटर है उनको पता है कि कोरल स्नेक है पॉइजनस है, तो उनके ऊपर अटैक नहीं करते। इसलिए ये जो स्कारलेट किंग स्नेक है इनका कलर पैटर्न भी क्या हो जाता है, कोरल स्नेक जैसा होता है, तो ये भी क्या लगते हैं जैसे कोरल स्नेक है, तो इनके ऊपर ये अटैक नहीं करता, तो ये क्या कराती है, बेडशीन मिमिक्री है ये। लेकिन यहां पर फिक्स है बेडशीन मिमिक्री के अंदर कि एडिबल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मिमिक्री करते हैं किसकी,
नॉन एडिबल ऑर्गेनिज्म की, ताकि वो उसके ऊपर अटैक नहीं करें। तो ये जो है बेडशीट मिमिक्री है, इस बेडशीट मिमिक्री का इवोल्यूशन में क्या महत्व है? भाई यहां पे जब वायसराय बटर ने मोनार्क बटरफ्लाई को तो पहले ही बर्ड्स नहीं खाती है, अब वायसराय बटरफ्लाई क्या करती है, इसके जैसा अपना कलर का पैटर्न कर लेती है, तो दोनों बच गए, ये भी बच गया और ये भी बच गया, दोनों जिंदा रहते हैं। तो बायोटिक जो डायवर्सिटी है उसको बढ़ाने के अंदर इसे मिमिक्री का बहुत रोल होता है। इसी प्रकार से ये किंग, ये भी दोनों बच जाते हैं, तो इनका भी जो बायोटिक जो डायवर्सिटी है उसको बढ़ाने में मिमिक्री का बहुत बड़ा रोल होता है। एक सेकिना मुलेरियन मिमिक्री, ये मुलर नामक वैज्ञानिक ने दी थी, मुलेरियन मिमिक्री। इट इज ए फिनोमिनन इन विच टू और मोर स्पीसीज विद इफेक्टिव डिफेंस शेयर ए सिमिलर अपीयरेंस और ए सिग्नलिंग फ्रॉम अटैक बाय देयर एनिमीज। यानी यहां पे कोई फिक्स नहीं है कि एडिबल है या नॉन एडिबल है, जंतु आपस में एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं ताकि वो अपने आप को छिपा सके, अपने आप की सुरक्षा कर सके, या फिर किसी को खाने के लिए दूसरे के ऊपर अटैक कर सके। तो ये जैसे क्वीन बटरफ्लाई है, तो क्वीन बटरफ्लाई भी क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाई है उसकी मिमिक करती है। तो इसमें भी ये क्या करती है कि ये एक अपना कलर का पैटर्न है वो भी मोनार्क बटरफ्लाई के जैसे कर लेती है, तो ये इसमें दोनों ये बची रहती है। तो इस प्रकार से ये मिमिक्री का एक इंट्रोडक्शन है जिसमें बेडशियन और मुलेरियन मिमिक्री का अपन ने क्लासिफिकेशन किया है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन लेते हैं जो कि अपने डिफरेंट प्रकार से कर रखा है, जिसमें प्रोटेक्टिव है, कंसीलमेंट है, ठीक है, एग्रेसिव मिमिक्री है और कॉन्शियस मिमिक्री है। तो अपन नेक्स्ट लेते हैं अपन दूसरे टाइप से क्लासिफिकेशन। सबसे उससे पहले तो अपन ने क्या किया था कि मिमिक्री को एक तो अपन ने बेडशियन मिमिक्री बताई थी और दूसरा जो मुलर ने दी थी मुलेरियन मिमिक्री बताई थी। अब अपन ने इस मिमिक्री को दूसरी टाइप से अपन क्लासिफाई कर रहे हैं। यहां पर देखिए अपने पूरी की पूरी जो मिमिक्री है उसको अपन ने तीन में डिवाइड किया है, प्रोटेक्टिव मिमिक्री, एग्रेसिव मिमिक्री और कॉन्शियस मिमिक्री। प्रोटेक्टिव मिमिक्री एक, सेकेंड अपन ने बनाया एग्रेसिव मिमिक्री और थर्ड है कॉन्शियस मिमिक्री। ये तीन टाइप की मिमिक्री है। सबसे पहले लेते हैं अपन प्रोटेक्टिव मिमिक्री जो पहले वाली है वो। प्रोटेक्टिव का मतलब है टू कैच प्रे। ये मिमिक्री क्यों की जाती है? प्रोटेक्टिव है ये मिमिक्री और ये क्या करती है कि प्रे को कैच करने के लिए की जाती है। तो यहां पर देखिए इस मिमिक्री को अपन ने तीन में डिवाइड कर रखा है, कंसीलिंग मिमिक्री एक, दूसरी है वार्निंग मिमिक्री और थर्ड है क्रिप्टिक मिमिक्री। प्रोटेक्टिव मिमिक्री है वो मिमिक्री क्या है, अपने आप को जंतु बचाने के लिए करता है। तो उस प्रोटेक्टिव मिमिक्री को अपन ने तीन में डिवाइड किया, कंसीलिंग मिमिक्री जिसमें जंतु अपने आप को छुपाता है, वार्निंग मिमिक्री में क्या करता है जंतु किसी दूसरे जंतु को वार्न करता है, उसको सचेत करता है, और थर्ड है क्रिप्टिक मिमिक्री। तो अपन एक एक को लेते हैं। कंसीलिंग मिमिक्री, वो कंसीलिंग मिमिक्री में जंतु अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है, कंसील करने की कोशिश करता है। तो कंसीलिंग मिमिक्री में भी अपन ने जिसके मॉडल के आधार पर तीन में कर रखा है डिवाइड, देखिए पहला चेंज इन बॉडी कलर। कंसीलिंग मिमिक्री कैसे कैसे की जाती है, ये सारी की सारी जितनी भी मिमिक्री अपन ने बताई है वो एग्जाम्पल के द्वारा इस समझ में आती है। कंसीलिंग मिमिक्री चेंज इन बॉडी कलर, जैसे फ्लैट फिश है, तो फ्लैट फिश क्या होता है कि पानी के अंदर ओशियन के अंदर है, वो समुद्र की गहराई में रहती है, तो जो नीचे मिट्टी होती है उस मिट्टी के अंदर धसी रहती है अंदर, और जैसे ही उसका प्रे उसके नजदीक आता है उस मिट्टी से बाहर निकल करके वो उसे प्रे को खा जाती है। तो वो यहाँ पे अपना बॉडी का जो कलर है वो लगभग मिट्टी के जैसा कलर बनाए रखती है फ्लैट फिश। इसी तरीके से अपन ने यहां पर दूसरा एग्जांपल दिया व्हाइट क्रेब का, जिसका नाम है क्रिप्टोलिथोर्स। तो समुद्र जो बीच होता है, समुद्र का जो किनारा होता है वहां पर व्हाइट व्हाइट है, वो पेबल्स पड़े रहते हैं, पत्थर पड़े रहते हैं, और उन पत्थरों के जैसा कलर करके उन पत्थरों के ऊपर वो रहता है। तो
कोई भी उसका शिकारी जब उसको देखेगा तो वो उस क्रेब को देखेगा तो ऐसा लगता है जैसे ये भी अपने आप पे एक पेबल्स पड़ा है, पत्थर पड़ा है, तो वो उसको खाएगा नहीं। तो इस प्रकार से इसमें कलर के द्वारा ये जंतु क्या करता है, अपने आप को छिपाने की कोशिश करता है। कंसीलिंग मिमिक्री में चेंज इन प्लेस, कुछ जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के उस बैकग्राउंड के अनुसार है वो अपना कलर चेंज करते हैं। तो जैसे कलर चेंज नहीं करते हैं, इसमें जो प्लेस होता है उसके अकॉर्डिंग वो उसके ऊपर रहते हैं। जैसे रेप्टाइल्स है, मैंने बहुत सी बार देखा है कि मिट्टी के ऊपर रेप्टाइल्स चलते हैं, ठीक है, और उनका कलर क्या होता है कि मिट्टी का जैसा कलर होता है तो वो वहां पर पहचाने नहीं जाते हैं। इसी तरीके से कुछ कैटरपिलर भी होते हैं तो वो भी वो क्या करते हैं, प्लेस जहां पर रहते हैं उसके जैसे होते हैं। थर्ड अपन दिखा रखा है मिमिक्री लाइक डेड ऑब्जेक्ट्स, कुछ जंतु मिमिक्री कैसे करते हैं, वो ऐसे लगते हैं जैसे कोई मरा हुआ, सॉरी जैसे डेड ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई भी लकड़ी है या कोई भी ग्रीन लीफ पड़ी है तो उसके ऊपर डेड ऑब्जेक्ट के सम, यानी यहां पर मॉडल का काम कौन कर रहा है, डेड ऑब्जेक्ट कर रहा है, ठीक है, डेड ऑब्जेक्ट की वो मिमिक्री करते हैं। जैसे लीफ बटरफ्लाई है, केलिमा पेरेलेक्टा, तो ये क्या करती है कि जो सूखी हुई लीफ होती है उसके ऊपर रहती है ये, और ऐसे लगता है जैसे कोई जो वो जैसे पत्ती पड़ी हो, सूखी हुई पत्ती पड़ी हो तो वो दिखाई नहीं देती है, कंसील करती है। वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। वॉकिंग इंसेक्ट को अपन देखें तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है और उसकी लंबी लंबी टांगे होती है इस तरीके से, तो उसको अपन देखें तो वो एक लकड़ी के जैसा दिखाई देता है। तो जैसे सली गड़ी लकड़ियां पड़ी होती है उसके ऊपर वो बैठा रहता है, या पेड़ की जो सूखी हुई डाली होती है, ब्रांच होती है, उसके ऊपर वो बैठा रहता है, तो वो वहां पर अपने आप को दूसरे उसके जो शिकारी है उसको दिखाई नहीं देता, तो इस प्रकार से ये कंसील करता है। फाइलियम लीफ इंसेक्ट है, ठीक है, तो वो भी क्या है कि जैसे मान लीजिए पत्ती गिरी है, हरी पत्ती जिसे जैसे ग्रीन लीफ जो पड़ी रहती है उसके ऊपर बैठा रहता है, तो वो भी अपने आप को उस पत्तियों के ऊपर का कलर, और इसका लीफ इंसेक्ट होता है उसका कलर एकदम से ग्रीन होता है और वो उसको पहचान नहीं पाते हैं, उसका प्रीडेटर। तो ये कंसीलिंग मिमिक्री है। इसी तरीके से वार्निंग, वार्निंग मिमिक्री में क्या होता है कि फाइटनिंग द एनिमल लुक लाइक पॉइजनस हार्मफुल डिस्टेस्टफुल बाय एक्सप्रेशन। वार्निंग मिमिक्री के अंदर जंतु इस प्रकार से एक्सप्रेशन करता है कि मैं पॉइजनस हूं, मतलब सामने वाले शिकारी को डराने की कोशिश करता है, वो इस प्रकार से अपना अपना एक्सप्रेशन करता है कि वो ऐसा लगता है जैसे कोई पॉइजनस हो या हार्मफुल हो या स्वादिष्ट नहीं हो, इस प्रकार से एक्सप्रेशन करता है, तो वो वार्निंग मिमिक्री है। तो इसमें जैसे अपन ने बैट्सियन मिमिक्री के जो उदाहरण दिए थे वही उदाहरण, जैसे नॉन पॉइजनस या नॉन वेनमस स्नेक जो होता है वो क्या करता है, जो पॉइजनस स्नेक होता है उसकी तरह मिमिक्री करता है। इसी तरीके से हेटरोडोन स्नेक होता हैटरोडोन स्नेक, तो ये हेटरोडोन स्नेक क्या करता है, हीजिंग साउंड निकालता है, जो पॉइजनस स्नेक होता है उसकी तरीके से हीजिंग साउंड निकालता है, तो उसके शिकारी को ऐसा लगता है कि ये भी उस जैसा पॉइजनस है। वायसराय बटरफ्लाई का जो मोनार्क बटरफ्लाई का जो मिमिक करती है, तो ये अपन एग्जांपल पहले ही देखा था बैट्सियन में। इसी तरीके से कुछ मोथ है वो भी क्या करते हैं, वास्प जो ततैया होता है उसके जैसे कलर में दिखाई देता है तो उसका वो मिमिक करता है, तो ये वार्निंग मिमिक्री है, दूसरे को डराने के लिए इस प्रकार से ये मिमिक्री करते हैं, जो कि अपने बैट्सियन में भी इन्हीं को पढ़ा था। क्रिप्टिक मिमिक्री, फ्यू स्ट्रक्चर आर फाउंड विच हेल्प इन फाइटनिंग और कंफ्यूजिंग। क्रिप्टिक मिमिक्री के अंदर क्या होता है कि इनकी संरचना के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इनकी बॉडी के ऊपर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो किसी दूसरे एनिमल को यू कंफ्यूज करने का काम करती है। जैसे कैटरफ्लाई बटरफ्लाई है और पिकॉक बटरफ्लाई है, इनका जो हाइंड विंग होता है रेस्ट के समय एकदम से वो फोल्डेड रहता है, लेकिन जैसे ही उनको उनका शिकारी दिखाई देता है उन पंखों को वो खोलते हैं, उन पंखों को खोलते हैं तो उनके ऊपर दो बड़े बड़े आइस पोर दिखाई देते हैं, तो वो देखने में ही इतने भद्दे और डरावने लगते हैं, तो जंतु वहां से उसको देख करके वो वापस चला जाता है। इसी तरीके से डम्मी हेड है, कुछ मोथ है, कुछ लेंटर फ्लाई है, थेकला है, इनमें क्या जैसे आगे हेड होता है उसके पंख के पीछे भी एक, पंखों के पीछे विंग्स के पीछे भी एक इसी प्रकार की संरचना दिखाई देती है, जैसे ऐसा लगता है जैसे ये भी हेड है,
तो जंतु क्या करता है, उसका शिकारी उसके पीछे वाले जो जो फॉल्स हेड है उसके ऊपर अटैक करता है और ये बच करके निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, क्रिप्टिक मिमिक्री है। तो ये है प्रोटेक्टिव मिमिक्री, जिसको अपन ने कंसीलिंग मिमिक्री, वार्निंग मिमिक्री और क्रिप्टिक मिमिक्री के अंदर डिवाइड किया है। सेकेंड आता है एग्रेसिव मिमिक्री। ये यहां पर अपन ने एग्रेसिव मिमिक्री दिखा रखी है, टू कैच ए प्रे। इसमें क्या होता है, ये भी दो प्रकार की होती है, कंसीलिंग मिमिक्री और एल्यूरिंग मिमिक्री। इस कंसीलिंग मिमिक्री के में क्या होता है, कलर चेंज अकॉर्डिंग टू नेचर, जहां पर वो रहते हैं उसके अनुसार है वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं और अपने आप को छुपाते हैं। तो ये बोलास स्पाइडर है, उसके अंदर इस प्रकार का जो कैरेक्टर पाया जाता है। तो ये अपना कलर चेंज करके है वो अपने आप को छिपाते हैं, बोलास स्पाइडर। एल्यूरिंग मिमिक्री दो प्रकार की बताई अपन ने। तो एल्यूरिंग मिमिक्री के अंदर क्या होता है, कुछ न कुछ अट्रैक्टिव ऑर्गन पाया जाता है उनको, तो उसकी तरफ देख करके वो अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एंगलर फिश है, जो एंगलर फिश होती है उसका जो डोर्सल फिन होता है उस फिन के ऊपर इस तरीके से एक बल्ब लाइक संरचना निकली रहती है, और वो बायोल्यूमिनेसेंट होती है, वो बायोल्यूमिनेसेंट होती है यानी चमकती रहती है। तो जब ये समुद्र के अंदर तैरती रहती है, नीचे गहराई के अंदर रहती है ये, और वहां पे अंधेरा वैसे ही होता है, तो इस अंधेरे स्थान पर ये वाली संरचना है वो चमकती रहती है, उसके ऊपर जो फिन के ऊपर लगी रहती है। तो जैसे ही उसका शिकारी इसके पास में आता, इसका जो भी इसको देखने के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये एल्यूर का काम करता है, ल्यूर का काम करता है, ल्यूर ल्यूर का काम करता है, ये अट्रैक्ट करने का काम करता है। और जैसे ही इसके पास में दूसरे एनिमल आते हैं तो उनको वो खाते रहता है, ये एंगलर फिश में होते हैं। इसी तरीके से प्लांट होपर है, उनमें भी जैसे डम्मी ओडो होता है, उसी प्रकार से इनके अंदर भी क्या होता है कि पीछे की साइड है वो हेड टाइप संरचना दिखाई देती है। पाइज्मी ओवल्स भी एक तरीके से एल्यूरिंग मिमिक्री है, क्योंकि अपन ने पहले बताया था ऑटो मिमिक्री, यानी जंतु अपने ही पार्ट की करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑटो मिमिक्री। तो ये एल्यूरिंग का भी एग्जाम्पल है एक तरीके से। तो जैसे पाइज्मी ओवल में अपन मैंने बताया कि जो उसका जो हेड का जो बैक होता है उसके ऊपर भी दो आंखें जैसी संरचना होती है, तो उसका शिकारी है वो उसको देखता रहता है, तो उसको लगता है कि ये मेरी तरफ देख रहा है और उसको वो छोड़ करके चला जाता है, उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। तो ये क्या कहलाती है, एल्यूरिंग मिमिक्री। फिर आती है थर्ड, कॉन्शियस मिमिक्री। कॉन्शियस मिमिक्री में क्या होता है, लुक लाइक डेड एनिमल्स, डेड जैसे कुछ जंतु क्या करते हैं, आप उनको अगर डिस्टर्ब करोगे तो वो दुबक करके एक जगह पड़े रहेंगे, ऐसे लगेगा जैसे ये मरा मर गया या मरा हुआ है, तो वो उसका प्रीडेटर क्या उसको छोड़ करके चला जाता है। इसी तरीके से एग्जाम्पल ओपोसम, ओपोसम चूहे के जैसा होता है मेमल, तो उसको अगर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे तो वो एक जगह पे दुबक के पड़ा रह जाएगा, ऐसा लगेगा कि वो डेड है, तो उसको आदमी छोड़ करके वहां से चला जाता है, ओपोसम। तो हार्ड बॉडीड बीटल है उसमें भी वो कॉन्शियस मिमिक्री पाई जाती है। इसी तरीके से एक एग मिमिक्री होती है। एग मिमिक्री में क्या होता है कि जंतु के जो अंडे होते हैं वो एक जैसे होते हैं, शेप में और अपियरेंस में एक जैसे होते हैं। जैसे कुकू है, जो कोयल अपन कहते हैं, कोयल है वो अंडे है वो घोंसला नहीं बनाती है, और वो क्राउ के घोंसले के अंदर जाकर के अंडे देती है, क्योंकि क्राउ के जो एग होते हैं वो और कोयल के जो अंडे होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं, और क्राउ को पता भी नहीं चलता है, तो वो जाकर के अपने अंडे उसमें देती है। तो एक तरीके से क्या होगी, एग मिमिक्री। इसी तरीके से एक अपन ने और दिखा रखी है, वो क्या है, वास्मेनियन मिमिक्री। वास्मेनियन मिमिक्री में कहता है रिजेंबल लाइक होस्ट, यहां पर होस्ट के जैसा वो जंतु दिखाई देता है, जैसे जंपिंग स्पाइडर है। अब जंपिंग स्पाइडर है तो वो कुछ आंट के जैसा दिखाई देता है, और वो आंट के घोंसलों के अंदर भोजन के लिए और शेल्टर के लिए उसके अंदर जाकर के बैठ जाता है, और अन्य आंट्स को उसका पता ही नहीं चलता है कि ये आंट्स है या स्पाइडर है। तो ये है वास्मेनियन मिमिक्री। तो इस प्रकार से ये मिमिक्री की अपन ने यहां पर टाइप्स बताई है, प्रोटेक्टिव, एग्रेसिव और कॉन्शियस। प्रोटेक्टिव में फिर उसको अपन ने क्लासिफाई किया है कंसीलिंग में, वार्निंग में और क्रिप्टिक में। एग्रेसिव को अपन ने दो में डिवाइड किया है, कंसीलिंग में और एल्यूरिंग में, और थर्ड अपन ने कॉन्शियस मिमिक्री है उसके अपन ने एग्जाम्पल दिए है, जैसे हार्ड बॉडीड बीटल है, ओपोसम है, तो ये क्या डेड ऑब्जेक्ट्स के जैसे दिखाई देते हैं। तो ये इस प्रकार से मिमिक्री है।
अब इस मिमिक्री का इवोल्यूशन में क्या रोल है? देखिए अपन ने पहले भी बताया था बेट्सियन मिमिक्री और मुलेरियन मिमिक्री के अंदर अपन ने क्या देखा था कि एडिबल कोई भी एनिमल है वो नॉन एडिबल के जैसे है वो उसकी मिमिक्री करता है, तो उससे क्या होगा, नॉन एडिबल जो है उसको तो जंतु पहले ही नहीं खाता, शिकारी उसको तो शिकार करता ही नहीं है, और जो एडिबल है वो भी क्या नॉन एडिबल के जैसे दिखाई देता है तो उसका भी शिकार नहीं करता है, तो दोनों के दोनों बच जाते हैं, तो ये बायोटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाने का काम करता है। और इस मिमिक्री के वजह से ही नेचुरल सिलेक्शन जो है उस नेचुरल सिलेक्शन में इस मिमिक्री का बहुत अपना एक अच्छा रोल है, क्योंकि इन मिमिक्री के द्वारा ही वो चलती है। एक तरीके से मिमिक्री अपने आप में क्या एक अडेप्टेशन है, मिमिक्री अडेप्टेशन है, और इस अडेप्टेशन के द्वारा ही ये जंतु जो कंसीलिंग मिमिक्री कर रहे हैं, वार्निंग मिमिक्री है, क्रिप्टिक कर रहे हैं, अग्रेसिव मिमिक्री कर रहे हैं, एल्यूरिंग कर रहे हैं, ये सारी के सारी करने की वजह से ये अपने आप को उस वातावरण में अडेप्ट कर लेते हैं। एक तरीके से नेचर है वो इनका, नेचर ने इनका सिलेक्शन कर रखा है, तो इवोल्यूशन के अंदर या नेचुरल सिलेक्शन के अंदर इनका इस मिमिक्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस प्रकार से ये मिमिक्री और इसका इवोल्यूशन के अंदर वो क्या महत्व होता है वो आज अपन ने पढ़ा है। मैं जहां तक सोचता हूँ आपको समझ में आगे होगा, और अगर पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक जरूर कीजिए और अन्य बच्चों को भी उसका शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।